Hello everyone, I am Sagar Sen, you're welcome to the class. Dear students, previous video में हमने narration का topic शुरू किया और सीखा narration क्या होती है, उसके kinds क्या होते हैं, kinds के बीच differences क्या होते हैं, कब काम आते हैं, and most importantly हमने summarize किया था उन 5 rules को, उन 5 steps को, जिनको follow करके हम किसी भी direct narration के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे वन बाय वन उन्हीं 5 रूल्स को विद एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स सीखना। एंड दिस वीडियो हैज बीन लेट बिकॉज़ आई वाज ट्राइंग टू अरेंज अ बेटर सेटअप फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं, और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनके लिए एक बार फिर से उन 5 रूल्स को मैं समराइज कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, किसी भी डायरेक्ट, क्योंकि नरेशन दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए बेसिकली हमें 5 स्टेप्स का फॉलो करना होता है। वो 5 स्टेप्स या 5 रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहला रूल होता है टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड वन टू एड कंजक्शन, टू चेंज प्रोनाउंस। फोर्थ वन टू चेंज टेंस। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज टू चेंज अदर वर्ड्स। ये 5 तरह के चेंजेस हम करते हैं किसी भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए। ऑलराइट, अब आज हम इस वीडियो में ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट 2 रूल्स, इनको अच्छे से समझेंगे। देखिए, इनके बीच में मैंने गैप दिया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बीच में। ऐसा क्यों? इस बात को खास ध्यान रखना है कि ये 2 चेंजेस या ये 2 जो रूल्स हैं ये हमेशा इन्वर्टेड कोमास के बाहर काम आते हैं। जैसा कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है और दूसरा इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है, भले ही इस तरफ हो या उस तरफ। तो फर्स्ट और सेकंड चेंजेस हमेशा बाहर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड चेंजेस हमेशा इन्वर्टेड कोमास के बाहर होते हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये जो 3 रूल है ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं। ये तो हो गया इन दोनों के बीच पहला डिफरेंस। इन दोनों के बीच में या इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी होता है, ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों, लेट मी मेक इट क्लियर, ये तीनों जो रूल्स होते हैं ना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये कॉमन होते हैं। कॉमन यानी ये रूल्स कभी भी किसी भी सेंटेंस के लिए चेंज नहीं होते। जैसे कि अलग अलग तरह के सेंटेंस आते हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की नरेशन बनती है। ऑलराइट, तो ये तीनों रूल्स सभी तरह के सेंटेंसेस पर एक ही तरीके से अप्लाई होते हैं, लेकिन ये होते हैं अनकॉमन, ये होते हैं अनकॉमन रूल्स, फर्स्ट और सेकंड। अनकॉमन इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरह का सेंटेंस होगा उस तरह से ये दोनों चेंजेस होंगे, लेकिन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोनाउंस हमेशा एक ही तरीके से चेंज होते हैं जो इसके रूल्स हैं, टेंस हमेशा उसी तरीके से चेंज होते हैं जो टेंस चेंज करने के रूल्स हैं, और अदर वर्ड्स भी उसी तरीके से चेंज होते हैं जो इनके रूल्स में बताया हुआ होगा। लेकिन ये जैसे ही टेंस सेंटेंस चेंज होगा ये अलग अलग हो जाएंगे, कैसे, यही आज हम सीखेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए कैसे मैंने इन दोनों, इन 5 रूल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसका रीजन क्या है, देखिए। टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या मतलब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। जिन लोगों को नहीं पता अभी तक कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, तो लेट मी टेल यू। जैसा कि अभी मैंने बताया, डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, दैट्स ऑल।
क्योंकि दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर आने वाली वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब होती है। आप सिंपल याद रख लीजिए, इनवर्टेड कॉमास के बाहर जो भी वर्ब होगी वो क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। और वो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना सबसे पहला स्टेप होता है। टेंथ के एग्जाम्स में अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करके दी जाती है, ट्वेल्थ के एग्जाम में जो नरेशन आती है उसमें चेंज की हुई नहीं आती। तो दोनों ही बातें हैं, इसलिए हमें सीख लेना चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं, सीधी और सिंपल बात, रिपोर्टिंग वर्ब वैसी ही चेंज होगी, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी जैसा सेंटेंस इनवर्टेड कॉमास के अंदर होगा। ये एक ही लॉजिक है इसका, इसके लिए अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। वो रूल्स क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, अंदर जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। अब सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, एंड मैंने वीडियोस बनाने की बिगिनिंग भी सेंटेंस के काइंड से ही की थी, तो आप जाके देख सकते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के वाक्य आते हैं। चलिए ये सब रहने दीजिए, हम कैसे पहचानेंगे कि इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य है वो असर्टिव सेंटेंस है। सिंपल बात है, सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस, एक ट्रिक है इसकी, सिंपली फॉलो कीजिए। असर्टिव सेंटेंस की यही पहचान है कि उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। इसके अलावा जितने भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं उनकी शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं होती। आई रिपीट, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये रहता है। तो इस स्ट्रक्चर का कभी भी आपको सेंटेंस इनवर्टेड कॉमास में दिखे तो मान लीजिएगा वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो अगर इनवर्टेड कॉमास में असर्टिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब दो तरीके से चेंज करते हैं। वो दो तरीके क्या हैं, वो दो कंडीशंस क्या हैं? देखो, पहली कंडीशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, ये पहली कंडीशन है। यानी यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और इनवर्टेड कॉमास में है असर्टिव, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा और सेड का सेड रहेगा। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ही सेज आई एम बिजी। इस सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहला काम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के सेंटेंस को देखना। सबसे पहले ये कर लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किस तरह का सेंटेंस है ये देख लीजिए, आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, गलती नहीं होगी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने में। ऑलराइट, तो अंदर कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट ना हो भले अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। सबसे पहले शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से। तो ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। ऑलराइट, तो असर्टिव सेंटेंस है और देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ही सेज का ही सेज ही रह जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आई सेड आई एम कमिंग। इस सेंटेंस में देखिए इनवर्टेड कॉमास में सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस है, यानी असर्टिव सेंटेंस है। और पहला पॉइंट क्या है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, यानी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का रूल है ना, तो देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इस सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो क्या रह जाएगा, सेड ही रह जाएगा, कंजक्शन लग जाएगा, आगे अदर चेंजेस हो जाएंगे। ओके, हम फिलहाल सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का रूल ही सीख रहे हैं। अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, इफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, यानी अगर असर्टिव सेंटेंस हो इनवर्टेड कॉमास में और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तब क्या चेंजेस होते हैं, तो ध्यान में रखिए सेड टू का हो जाता है टेल, सेज टू का हो जाता है टेल्स और सेड टू का हो जाता है टोल्ड।
ये चेंजेस कॉमन चेंजेस हैं, ज्यादातर यही काम में आते हैं, इसलिए ये रटवा दिए जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, दो कंडीशंस है रिपोर्टिंग ऑफ चेंज करने की असर्टिव सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट ना हो तो चेंजेस नहीं होते, लेकिन ऑब्जेक्ट हो तो ही ये चेंजेस होते हैं। अब इसका एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ही सेज टू मी, वही एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम बिजी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज, साथ में टू भी आया है और ऑब्जेक्ट आया है, देख लीजिए मी। तो अब इसका क्या होगा, ही सेज है ना, तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, ही टेल्स मी। आगे के चेंजेस वन बाय वन आगे सीखेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ चेंज हो गई, तो देखिए ऑब्जेक्ट होता है तो ही चेंजेस होते हैं, अदरवाइज चेंजेस नहीं होते। कब? जब इनवर्टेड कॉमास में असर्टिव सेंटेंस हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आई सेड टू हिम आई एम नॉट कमिंग। ऑलराइट, अब देख लीजिए कौन सा सेंटेंस है इनवर्टेड कॉमास में। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि सेंटेंस को देखना कौन सा है, कौन सा है सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब असर्टिव है। अब आ जाते हैं रिपोर्टिंग ऑफ चेंज करने पे। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका, आई सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो टोल्ड, आई टोल्ड हिम। आगे के चेंजेस होते रहेंगे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता कि यही दिया हुआ हो, समटाइम्स इनवर्टेड कॉमास के अंदर भी बाहर के वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो सकता है। जैसे ध्यान से देखिएगा कि कविता सेड कमल आई नीड योर हेल्प, ये एक सेंटेंस है। अंदर देखते हैं सबसे पहले कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहां पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कमल है? नेवर, क्योंकि कोमा से सेपरेट किया हुआ है और कोमा से सेपरेट किया हुआ है इसलिए कमल की कोई वर्ब इसमें आ ही नहीं सकती। ये एक अलग यहां पर नाउन दिया हुआ है, ये क्या है, ये बाहर की वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कैसे? लॉजिकली समझिए, कविता ने किसी को कहा, क्या कहा, कमल आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो कविता ने किसको कहा, कमल को, तो सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, कमल। सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है, अंदर, आई से, और देख लीजिए आई क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो अंदर कौन सा सेंटेंस दिया हुआ मिला, असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस है और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां दिया हुआ है, अंदर, हमें क्या करना है, ये अंदर दिया हुआ ऑब्जेक्ट बाहर ले आना है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है भले अंदर या बाहर, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट भले अंदर दिया हुआ हो इनवर्टेड कॉमास के या बाहर दिया हुआ हो, हमें रिपोर्टिंग वर्ब को इसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसीलिए कविता सेड का हो जाएगा टोल्ड, आगे कमल, और फिर कंजक्शन लग के जो आगे के रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, ठीक है ना। कैसे पता चले कि इनवर्टेड कॉमास के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? हमेशा अगर इनवर्टेड कॉमास के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा तो आपको वो हमेशा कॉमा से अलग किया हुआ मिलेगा। ऑलराइट, एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे आई से टू, चलो यहां पर नहीं, आई से यू आर ग्रेट कॉमा कमल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दूसरा नाम ले लेते हैं कैलाश। अब ध्यान से देखिए, आई से रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिया हुआ, चलिए इनवर्टेड कॉमास के अंदर चलते हैं। और क्योंकि सबसे पहले हमें इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही देखना है, इसलिए देखते ही पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट अंदर है या नहीं। इस सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट यू, ये वर्ब है, ग्रेट इसका कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी मान लीजिए अदर, ओके, कॉमा से अलग किया हुआ है कैलाश, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, उसको हम बाहर ले आएंगे। और क्योंकि अंदर असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है इसलिए से का क्या हो जाएगा, टेल, आई टेल, ऑब्जेक्ट को बाहर ले आएंगे, कैलाश
आगे कंजक्शन लगेगा और फिर प्रोनाउंस चेंज करने के रूल्स होंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है रिपोर्टिंग ऑफ चेंज करने का, कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या हो, असर्टिव सेंटेंस हो। ध्यान में रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते वक्त हमें असर्टिव सेंटेंस में ही इस बात का ख्याल रखना होता है कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। इसके अलावा जितने भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं उन सभी में रिपोर्टिंग वर्ब डेफिनेटली चेंज होती ही है, भले ही ऑब्जेक्ट हो या ना हो। आई रिपीट, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है या नहीं करना, ये बात सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में ही काम आती है। इसके अलावा जो चार तरह के सेंटेंसेस हैं उन सभी में रिपोर्टिंग ऑफ चेंज करते ही हैं। जैसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस, यानी अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। क्या हो? सेकंड तरह का सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव। अगर मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे पता लगता है? बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन मार्क मिलता है। यानी इन्वर्टेड कॉमास में लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, नो डाउट वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा, भले ही ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हम किस में चेंज करते हैं? आस्क, आस्क्स या आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। सोचना भी मत, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्वेश्चन मार्क मिला तो आप रिपोर्टिंग वर्ब, भले कुछ भी दिया हुआ हो, भले से दिया हुआ हो या से टू दिया हुआ हो, सेज टू दिया हुआ हो या सेज दिया हुआ हो, सेज टू दिया हुआ हो, सेड दिया हुआ हो या सेड टू दिया हुआ हो, आप हमेशा ये चेंजेस कर देना अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ मिला तो। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तरुण सेज टू मी, आर यू ऑल राइट। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क देखते ही पता लग गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसीलिए हम क्या कर देंगे, तरुण सेज टू है, आस्क्स में बदल जाएगा मी। आगे के चेंजेस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे मान लीजिए दिया हुआ है कि शीतल सेड वेयर आर यू। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए कौन सा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो सेड के साथ ऑब्जेक्ट ना तो बाहर दिया हुआ है ना अंदर दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शीतल आस्क्ड, यानी हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, आस्क, आस्क्स या आस्क्ड, डिपेंड करता है कि यहां जो फॉर्म दी हुई है वही फॉर्म यहां पे आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। मान लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचाने? सबसे पहले तो ये, इन्वर्टेड कॉमास में जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। याद रखिए मोस्टली 99%, क्योंकि कुछ एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि इंटरोगेशन मार्क या फिर ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क ना हो उसके बावजूद भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सीधी वर्ब आई हुई है, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये इसको पहचानने की ट्रिक है, ठीक है ना। क्या, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या ये डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इसके पहले कभी एडवर्ब लग सकती है, प्लीज काइंडली जैसे, ठीक है ना। लेकिन हमेशा इनकी शुरुआत डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इनमें सब्जेक्ट कभी भी नहीं होता, ये इनकी पहचान है। ऑलराइट, तो इंपेरेटिव सेंटेंस अब होते क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सलाह, निवेदन,
आदेश, निर्देश, चेतावनी, मनाही, ये सब भाव होते हैं। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ये भी रूल के अंदर ही आता है। देखिए, सलाह, निवेदन, आदेश, निर्देश, चेतावनी, मनाही, किसी को इनकार करना, ये सारे इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मूड होते हैं। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं? अगर इनवर्टेड कॉमास में कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि पहले एग्जांपल दे देता हूं कि डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये कौन सा सेंटेंस है, देख लीजिए, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस। किस तरह का भाव है इनमें से, मनाही का भाव है या फिर मान लीजिए आदेश का भाव है, कोई ना कोई इन्हीं में से है। इसमें हम सिंपल रख लेते हैं, डोंट वाले सारे क्या होते हैं, मनाही वाले होते हैं। किसी को हम बोलते हैं डोंट डू इट, तो वो क्या होता है, एक तरह से किसी को मना कर रहे होते हैं, तो मनाही। तो जिस तरह का भाव इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब भी उसी भाव के अनुसार, उसी मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सलाह हो तो क्या, एडवाइज, एडवाइजर्स या एडवाइज्ड, कोई भी एक फॉर्म में चेंज कर देंगे। सलाह हुई तो इन तीनों में से, निवेदन हुआ तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में से चेंज कर देंगे। आदेश को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, तो ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। निर्देश यानी कमांड, कमांड, कमांड्स, कमांडेड में चेंज कर देंगे। चेतावनी को वार्निंग बोलते हैं, तो वार्न उसकी वर्ब होती है, वार्न, वार्न्स और वार्न्ड में चेंज कर देंगे। और ये ध्यान में रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, मनाही उसको बोलते हैं फॉरबिड, फर्स्ट फॉर्म फॉरबिड होती है, फॉरबिड्स, फॉरबिड्स और फॉरबिड, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो तो फॉरबिड आएगा, थर्ड फॉर्म होगी तो फॉरबिडन आएगा, ये बात ध्यान में रखना। अगर मान लो कभी रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज हुई हो बाय चांस, तो फॉरबिडन आएगा। ऑलराइट, बाकी इन सब में एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, वॉर्न्ड ये रहेगा। तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब्स। आई रिपीट, इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरह का मूड होगा उसी तरह की रिपोर्टिंग वर्ब लग जाएगी, ठीक है ना। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे काव्या सेज टू मी, डोंट टॉक टू मी। अब ये सेंटेंस है, कौन सा है इन्वर्टेड कॉमास में, डोंट से शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट नहीं है ना इसमें। अब किसी को मना कर रहे हैं ना, तो डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, तो क्या होगी, एक तरह से मनाही। मनाही को क्या बोलते हैं, फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिड या फॉरबिडन। यहां कौन सी फॉर्म दी हुई है, से, तो फर्स्ट फॉर्म फॉरबिड, और सुनिए, सॉरी गलत है, सेज आएगा यहां पे, तो यहां पर कौन सी फॉर्म दी हुई है, फिफ्थ फॉर्म यानी एस और यस वाली, तो क्या आ जाएगा, फॉरबिड्स। तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, काव्या सेज टू का क्या हो जाएगा, फॉरबिड्स, काव्या फॉरबिड्स मी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज हेल्प मी आगे रिपोर्टिंग में बाद में जोड़ देते हैं, कि जैसे कि आई सेड टू हिम। अब ये डायरेक्ट नरेशन है, अंदर कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, इंपेरेटिव, कैसे, सब्जेक्ट नहीं है, और देखिए फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, प्लीज साथ में जुड़ा हुआ है, एडवर्ब जुड़ी हुई है। अब ध्यान से देखिए, अब इस सेंटेंस में कैसा भाव है, मना करने का है, नहीं, चेतावनी का, नहीं, किस तरह का भाव है, रिक्वेस्ट का, प्लीज काइंडली, रिक्वेस्ट में आते हैं, तो रिक्वेस्ट में हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, कौन सी दी हुई है, सेड, तो रिक्वेस्टेड लग जाएगी, आई
रिक्वेस्टेड हिम, और आगे कंजक्शन लग के चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब्स लगती हैं, और डिपेंड करता है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर किस तरह का सेंटेंस आया है। यहां पर कुछ और भी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, जो हम अलग से पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना, तब आपको बताएंगे। कॉमनली यही काम आती हैं, इसलिए आप इनको नोट कर लें, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, यानी फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस, अगर इन्वर्टेड कॉमास में हो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? शुभकामना श्राप वाले, यानी जिनमें आशीर्वाद दिया जाता है, शुभकामना दी जाती है, श्राप दिया जाता है, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। उनकी ज्यादातर कैसे पहचान होती है कि वो किससे शुरू होते हैं? मे से शुरू होते हैं, मे प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस हमेशा मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी मे नहीं भी होता, लेकिन फिर भी हमें पता लग जाता है पढ़ के कि भाई ये ऑप्टेटिव है, ये एक तरह से शुभकामना दी गई है, जैसे लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है ना, जैसे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वही बात है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिस तरह का भाव है उसी तरह की रिपोर्टिंग वर्ब लग जाएगी। जैसे कि मान लो प्रार्थना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लग जाएगी? प्रे, प्रेज, प्रेड। प्रे के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं ना, उसके बाद टू नहीं लगाते हैं। जैसे से टू का टेल कर दिया, Asked कर दिया, requested कर दिया, तो आगे to नहीं लगाते हम। लेकिन pray के बाद अगर object हो तो to लगेगा। Pray के बाद में भी अगर हमें object लिखना हो, दिया हुआ हो, तो to जरूर लगेगा। Examples में clear करेंगे, फिलहाल आप ये याद रख लीजिए। Next, मान लीजिए शुभकामना हो, शुभकामना का भाव हो, तो क्या करते हैं? शुभकामना को क्या बोलते हैं? शुभकामना देने को विश, तो रिपोर्टिंग वर्ब लग जाएगी विश, विशेज या विश्ड। अब मान लीजिए कि ब्लेसिंग हो, यानी आशीर्वाद, तो ब्लेस, ब्लेसेस, ब्लेस्ड, लेकिन आप विश का भी यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए श्राप हो, किसी को श्राप दिया गया हो, तो श्राप को क्या बोलते हैं? श्राप देने को कर्स, कर्सेस या कर्स्ड। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं किसकी? ऑप्टेटिव सेंटेंस की। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए माय मदर सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। अब देखिए गॉड ब्लेस यू देखते ही पता लग गया भाई ये शुभकामना वाला वाक्य है। तो क्या दिया गया है? प्रार्थना नहीं की गई है, प्रार्थना भगवान से ही की जाती है, शुभकामना दी गई है या आशीर्वाद दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे? माई मदर सेड टू, है ना, तो या तो कर दीजिए विश्ड या कर दीजिए ब्लेस्ड, दोनों ही सही माने जाएंगे, गलत कोई सा ही नहीं किया जाएगा। ब्लेस्ड मी कंजक्शन लग जाएगा, फिर आगे प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे, है ना, अदर चेंजेस हो जाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दी ओल्ड मैन सेज टू हर मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम्हारी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र तक जियो। तो इस सेंटेंस में शुभकामना है, आशीर्वाद है, ओल्ड मैन किसी को कह रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू किस में चेंज हो जाएगी? या तो ब्लेसेस में या विशेस में चेंज हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना समझ में आ गया। कर्स वाला एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे ईशान सेड टू मयूर मे You go to hell. May you go to hell. तुम नरक में जाओ। अब ये एक तरह से श्राप दिया गया है, तो श्राप और शुभकामना वाले वाक्य ऑप्टेटिव होते हैं, और जिस तरह का इसमें भाव है उसी तरह की रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगी। तो ईशान सेड टू का क्या हो जाएगा? कर्स्ड, क्योंकि श्राप दिया है तो कर्स्ड।
और क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए कर्स्ड, फर्स्ट फॉर्म होती तो कर्ज, और फिफ्थ फॉर्म यानी एस और एस वाली होती तो कर्सेस, मयूर। ठीक है ना, यह है रिपोर्टिंग ऑफ चेंज करने का रूल। अब लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस, मान लीजिए कि क्या दिया हुआ हो, इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिया हुआ हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लास्ट। ये पांच ही तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, ओके। कौन सा दिया हुआ हो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर मान लो दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है ना। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ होता है तो हमेशा रिपोर्टिंग ऑफ क्या आती है, एक्सक्लेम विद, और एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, एक्सक्लेम का मतलब होता है विस्मय करना, आश्चर्य करना, दुख करना, यानी एक तरह से अचानक हमारे मन की जो भावनाएं आती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक बार आप जाके देख लें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आकस्मिक भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वो दुख की भी हो सकती हैं, आश्चर्य की भी हो सकती हैं, खुशी की भी हो सकती हैं, है ना, आनंद की भी हो सकती हैं। जिस तरह की भावना आकस्मिक रूप से व्यक्त की जाए उसी तरह की रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगी, एक्सक्लेम, उसी तरह का वर्ड यहां पर नाउन आ जाएगा। यानी अगर मान लीजिए दुख के साथ एक्सक्लेम किया है तो एक्सक्लेम विद सोरो, अगर मान लीजिए एक्सक्लेम किया है खुशी के साथ तो एक्सक्लेम विद जॉय, अगर मान लीजिए एक्सक्लेम किया है यानी विस्मय प्रकट किया है आश्चर्य के साथ तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो ये चेंजेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब एक्सक्लेम लिखा है मैंने, अगर मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस है तो एक्सक्लेम्स एक्सक्लेम्स एक्सक्लेम्स, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए दिया हुआ है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड। मैं लिख देता हूं ताकि आप नोट्स अगर बनाना चाहें तो साथ साथ बना लें, एक्सक्लेम एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, एक्सक्लेम्स एक्सक्लेम्ड। अच्छा ये बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का भाव आगे होगा ना उसी तरह का हम वर्ड आगे जोड़ देंगे विद के साथ। तो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं, ये तीनों वर्ड आएंगे इसके बाद में हम क्या जोड़ेंगे, विद, ठीक है ना। एक्सक्लेम एक्सक्लेम जी एक्सक्लेम्ड लिखने के बाद में आगे हम क्या लिखेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है ना, क्योंकि आज हम ये दो रूल पढ़ रहे हैं। आगे लिखेंगे हम विद, और उसके बाद यहां हम सोरो भी लिख सकते हैं अगर दुख हुआ, जॉय भी लिख सकते हैं अगर खुशी हुई, सरप्राइज भी लिख सकते हैं अगर आश्चर्य हुआ, अगर मान लीजिए तिरस्कार या घृणा की बात हुई तो कंटेम्प्ट भी लिख देते हैं, ठीक है ना, कंटेम्प्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग वर्ड्स हम आगे जोड़ देते हैं जिस तरह का भाव होता है उस तरह से। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ, अगर किसी ने कहा द व्यूअर सेड, ठीक है ना, कि What a great match, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, What a great match, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क है इसका मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और किस तरह का भाव इसमें नजर आ रहा है आपको, कि क्या शानदार मैच था, कोई मैच देखने के बाद व्यूअर दर्शक बोल रहा है क्या शानदार मैच था। अब देख लीजिए, या इट वॉज आगे जोड़ देता हूं तो भी एक ही बात है, इट वॉज, क्या शानदार मैच था। अब इस सेंटेंस का भाव कैसा है, तिरस्कार घृणा का नहीं, दुख का नहीं, जॉय सरप्राइज में से लग रहा है। तो ज्यादातर क्या होता है, व्हाट वाले और हाउ वाले जो शुरू होते हैं वो सरप्राइज के लिए ही होते हैं, ठीक है ना। किसी की प्रशंसा की गई हो तो प्रेज भी आ सकता है, एक्सक्लेम विद प्रेज भी आ सकता है। तो जिस तरह का भाव हमारे इन्वर्टेड कोमास में होगा रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा उस पर ही डिपेंड करती है। ये आपको आई होप ये फर्स्ट रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको कैसे चेंज करेंगे, द व्यूअर सैड है ना, तो इन तीनों में से कौन सा ले, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विद, इन तीनों इन पांचों में से कौन सा ले, और भी बहुत से हैं, कौन सा ले, सरप्राइज बेटर लग रहा है, ठीक है ना, तो सरप्राइज। अब आगे कंजक्शन लग जाएगा, फिर आगे अदर चेंजेस हो जाएंगे, है ना, वो वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए
शी सेज टू मी ओ इट वॉज सो सैड। सेंटेंस देखिए ध्यान से कौन सा है। अब आगे का सेंटेंस तो हमें लग रहा है असर्टिव, लेकिन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है बिगिनिंग में, कहीं पर भी अगर बिगिनिंग में या एंड में एक्सक्लेमेशन लग गया ना तो सबसे पहली रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यही होगी, है ना। तो क्या होगा शी सेज टू का क्या हो जाएगा, इन तीनों में से कौन सा ले, एक्सक्लेम्स क्योंकि एस लगा हुआ है, एक्सक्लेम्स ठीक है ना, विद जोड़ना है आगे, ये नहीं लिखना है टू मी का टू हटा के मी लिख दिया, नहीं पहले विद। कैसा भाव नजर आ रहा है इसमें, ओ इट वॉज सो सैड, अरे बड़े दुख की बात थी, तो ये दुख की बात है इसलिए इसमें से कौन सा लेंगे सोरो, विद सोरो। अब आगे के चेंजेस होंगे वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ही बताने वाली बात है इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए इसमें दो तरह की रिपोर्टिंग वर्ब्स आएंगी, क्यों, एक तो इसके लिए और एक आगे के सेंटेंस के लिए, है ना। अब आगे का सेंटेंस ध्यान से देखिए कौन सा है, असर्टिव सब्जेक्ट से शुरू, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, आई रिपीट, यहां तक का सेंटेंस या फिर जो भी फ्रेज या फिर जो भी वर्ड है उसके लिए हमने ये यूज कर लिया। अब इसके बाद में पैटर्न चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट आया है फिर वर्ब आई है, तो असर्टिव हो गया ना इसीलिए, और देखो ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को कहां लिखेंगे हम, तो जाहिर सी बात है असर्टिव सेंटेंस का रूल फिर से अप्लाई करना होगा। अब एक बार थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए, अभी शुरुआत में असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा था, तो असर्टिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले टेल, टेल्स या टोल्ड, यहां पर दिया हुआ है एस और एस वाली, तो हम यहां पर लगाएंगे एंड, फिर यूज करेंगे टेल्स, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा कंजक्शन। एक बार और समझा देता हूं, यहां तक के लिए हमने ये रिपोर्टिंग वर्ब यूज की, क्लियर। अब दूसरी वर्ब हमें यूज करनी है तो कंजक्शन के बिना तो कर ही नहीं सकते, है ना, कंजक्शन लगा दिया एंड, क्योंकि दो पैरेलल चीजें यूज करनी हो एंड ही आता है ना, तो एंड लगा दिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब लगेगी आगे के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ज्यादातर क्या होता है ऐसे एक्सक्लेमेशंस के बाद, ऐसे इंटरजेक्शंस के बाद ज्यादातर क्या दिया हुआ होता है, हमेशा असर्टिव सेंटेंस। तो ध्यान में रखिए ऑब्जेक्ट होने के कारण यहां पर हमने क्या कर दिया, टेल्स मी, ऑब्जेक्ट है इसलिए असर्टिव सेंटेंस के साथ रिपोर्टिंग वर्ब हम लगाते हैं टेल्स। अब आपका सवाल कि अगर मी यहां पर नहीं होता, ये ऐसा ही होता तो हम ये भी नहीं लगाते, सीधा यहां पर कंजक्शन लगा के आगे बढ़ जाते, ठीक है ना। चलो ये हम जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलग से पढ़ेंगे उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने का रूल इतना ही है, इसके बाहर से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के ये रूल्स अच्छे से सीख लीजिए। एक बार और मैं इनको कंक्लूड कर देता हूं, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट रूल को, जैसा इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब आती है। कुछ बेसिक रूल्स जो मैंने आपको बताए उनको ध्यान में रखिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड कंजक्शन लगाने वाला, ये तो आप इस वीडियो के साथ देखते देखते सीख जाएंगे यूं चुटकियों में, कंजक्शन क्या ऐड किया जाए। तो पहला रूल हो गया हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बाद में जरूरत किसकी पड़ती है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसकी जगह बीच में दोनों वाक्यों को जोड़ने की, यानी कंजक्शन लगाने की। कंजक्शन लगाना, टू एड कंजक्शन, ऑल राइट। कैसे लगाते हैं कंजक्शन, बहुत सिंपल है, वही पांच तरह के वाक्य हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने दो कैटेगरीज में बांटा था ना, ये दोनों तो हमेशा वाक्यों के अनुसार ही आते हैं, बाकी के तीन उन पर वाक्यों का फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए अब कितने तरह के वाक्य हैं, पांच, मैं पहले वो लिख देता हूं ताकि याद हो जाए। देखिए ध्यान से, पांच तरह के वाक्य होते हैं, कौन से, अभी हमने पढ़े असर्टिव, इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद में इंपेरेटिव,
उसके बाद में ऑप्टेटिव क्रम नहीं होता, ऐसे ही ज्यादातर इस क्रम में पढ़े पढ़े जाते हैं, इसलिए मैं इस क्रम में लिख रहा हूं। और लास्ट हो गया एक्सक्लेमेटरी। ऑलराइट, तो ये पांच तरह के सेंटेंस है भैया। एसर्टिव में, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में हमेशा कंजक्शन लगता है दैट। हो गया याद? यानी कौन से में? सब्जेक्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस में, शुभकामना वाले यानी में से शुरू होने वाले सेंटेंस में, और एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय बोधक वाले वाक्य में हमेशा कंजक्शन क्या लगता है? दैट ही लगता है, सोचना ही मत। ओके, अब ये दो ठीक से समझने हैं भैया। कौन से? एक तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, है ना? कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? हमने पढ़े थे, एक बार आप जाके देख लें। और बता देता हूं कौन से। एक तो हेल्पिंग वर्ब से, एकदम बेसिक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है ना? इनको अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, यस नो टाइप इस तरह से, लेकिन आप सिंपली याद रखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड यानी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले। तो ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं, इन दोनों में अलग अलग तरह की कंजक्शन लगाई जाती है। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा इफ या वेदर लगता है, ज्यादातर इफ कॉमनली यूज होता है। इसलिए आप एक ही याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कंजक्शन इफ होगा, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बना देते हैं। दोनों का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है, ही सेज कि वेयर एम आई, ठीक है ना? कौन सा सेंटेंस है अंदर? क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव। चलिए रिपोर्टिंग ऑफ चेंज कर लेते हैं, पहले ही सेज है, आस्क हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट होने नहीं होने का फर्क यहां किससे पड़ता है, किस में पड़ता है? इसमें। इसके अलावा सब में चेंज करते हैं। ही आस्क्स, अब कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड यानी क्या? क्वेश्चन वर्ड का मतलब यहां बता देता हूं, जैसे कि जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं इनको डब्ल्यू एच वर्ड भी कहते हैं। हु, हूज, हूम, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, विच और हाउ, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स, अगर इनसे कोई सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, सॉरी लेट मी टेल यू, इनसे शुरू तो असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है क्लॉजेस में, है ना? लेकिन अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और शुरुआत हुई हो इनमें से किसी भी वर्ड से, तो वही वर्ड क्या बन जाता है? कंजक्शन बन जाता है। क्लियर? एक बार वापस जाके देख लें, मैं बता भी देता हूं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हुई हो तो वही क्या लगता है? कंजक्शन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे आई सेड टू हर, आर यू वेल, ठीक है ना? अभी सेंटेंस में देखिए कौन सा सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? देख लीजिए किससे शुरू होना चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब से होना अगर होगा तो ये कंजक्शन है, और डब्ल्यू एच वर्ड से होगा तो वही डब्ल्यू एच वर्ड। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, कंजक्शन लग जाएगा इफ। तो आई सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा यही आती है। एक और आती है इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर यही यूज करते हैं, कॉमन है। हर कंजक्शन इफ और आगे के चेंजेस बाद में, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कंजक्शंस। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, नहीं हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू यू एनी क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव भी दो तरह के होते हैं, हालांकि एक ही तरह के होते हैं, एक सकारात्मक हो गया एक नकारात्मक हो गया। दोनों के
कंजक्शंस थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इनको दो कैटेगरीज में बांटा है मैंने। अगर मान लो सकारात्मक हो इंपेरेटिव, और अगर हो नकारात्मक, दो तरह के हो गए, तो क्या क्या कंजक्शन लगते हैं भैया? सकारात्मक में टू लग जाता है और नकारात्मक में नॉट टू लग जाता है, ठीक है ना? और क्लियरली लिख देता हूं, नॉट टू लग जाता है। बस यही है रूल्स कंजक्शंस के, टोटल नरेशन के कंजक्शंस यही है। अच्छे से इनको याद कर लो, याद क्या करना है, याद हो जाएंगे, सुन लो। असर्टिव सेंटेंस में दैट, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में दैट, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में दैट। इंपेरेटिव में भी इजी है, टू लगना है बस, टू लगेगा ही लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके जस्ट बाद में, है ना? कैसे भी हो, बस जिसमें डोंट होगा उसमें हम डोंट को हटा के क्या लगा देंगे, नॉट टू लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव कंजक्शन लग जाएगा। बस ये ठीक से याद रखना, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ लगाना है, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो वही डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने दो रूल्स नरेशन के अच्छे से पढ़े, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब लगाना और दूसरा कंजक्शन लगाना, ठीक है ना? और दोनों रूल्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में किस तरह का सेंटेंस आया हुआ है।